किसी संख्या को 342 से भाग करना है और वो संख्या हमको पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, तो इसका मतलब इसका भाजक, इसका कोशेंट कुछ आएगा, हमको पता नहीं है, वो a होगा मान के चलिए। अगर हम 342 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ संख्या आएगा, वो संख्या भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन रिमाइंडर जो इसका शेषफल है वो मालूम है, कितना है 47 है, बस ये कहा गया। फिर सेकंड सेंटेंस में क्या कहा गया है, इसी संख्या को हमको 18 से डिवाइड करना है ये संख्या, तो इस संख्या को लाने के लिए हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो कि लेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो तरीका क्या है इसको करने का, जो 18 से भाग करना था इस संख्या को, तो हम उससे ना करके हम किससे डिवाइड कर देंगे, 47 से, जो रिमाइंडर आया था किससे डिवाइड करके, 342 से डिवाइड करके जो शेषफल आया था उसी से 18 को डिवाइड कर देंगे। तो 18 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 18 18 दोना 36, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 11, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है, यही इसका क्या है आंसर। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटने के बाद ये जो बार का साइन है रेकरिंग को दिखा रहा है, रेकरिंग कहने का मतलब 0.123 123 123 ये इंफिनिटी तक आते रहा होगा, लेकिन हम जब इसको हटा देते हैं तो इसके चलते ही यहाँ क्या लगता है, बार लगता है। तो इस बार को जब हटाएंगे तो बार के नीचे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 अंक है, तो 39 यहाँ लिखा जाएगा, और ऊपर में कितना लिखा जाएगा, 1 2 3, इसको कट कर देंगे, 3 का टेबल से 3 चौके 12 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो कितना आ गया 41/333, और यही क्या है आंसर है, ठीक है। टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 180 है, 180 में से हम गायों की संख्या को जी मान ली है, तो जो बच जाएंगे वो किसकी संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या होगी, तो 180 माइनस जी किसको मान लिया, मुर्गी को मान लिया, तो गाय की संख्या कितनी है, जी है, और मुर्गियों की संख्या कितनी है, 180 माइनस जी है। अगर हम गाय को 4 से गुना कर देते हैं, 4 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि गायों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो गाय का टोटल पैर मुर्गी का टोटल पैर मिलकर कितना आ जाएगा, 420 पैर आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4g + 18 दूना कितना हो जाएगा, 360, 2 × g कितना हो जाएगा, 2g बराबर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 360 को जब उठाकर उधर ले जाएंगे और 4g और 2g को आपस माइनस कर जाएंगे तो 2g आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 420 में से 360 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, तो यहाँ g का वैल्यू कितना आ गया, 30, और हमको g का वैल्यू ही निकाल। इतने बड़े गुणनफल में हमको गुना करके इकाई अंक लाना है, यूनिट डिजिट लाना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इतना बड़ी संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हमको बस ऑब्जर्व करना है कि कहीं 5 है, हाँ 5 है, और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, और 0 जब यूनिट डिजिट में बन जाता है तो कभी हटता नहीं, वो बरकरार रहता है। तो 5 × 8 = 40, और जो 40 आया यूनिट डिजिट 0 वो हमेशा बरकरार रहेगा, और यूनिट डिजिट 0 ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये संख्या किससे विभाजित होगी वो हमको निकालना है, हम मान लिए a है, ठीक है ना, लेकिन जब हम इसको देखते हैं ऊपर में क्या है, यहाँ विषम है, विषम बोले तो ओड है, तो अगर 49 का पावर ओड है, विषम है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो एक निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगा, 49 - 1 से डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा, 48 हो जाएगा, तो ऑप्शन में 48 नहीं रहेगा, तो इसका जो फैक्टर बनेंगे 8 × 6 = 48, ये 8 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो ऑप्शन में मेरे पास कितना है, 8 आ रही है, इसका आंसर है, जब यहाँ विषम होगा तब इसको ऐसे हल किया जाता है, ठीक है।